हाय फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे। आज मैं आपके साथ मटर गोभी आलू की बहुत हेल्दी तरीके से सब्ज़ी बनाऊंगी। बहुत ही डिलीशियस है और बहुत आसानी से आप इसको बना सकते हैं। तो देखते हैं अपनी डिलीशियस सी रेसिपी को। इसको बनाने के लिए सबसे पहले पालक लेंगे। पालक को अच्छे से साफ़ करके मैंने धो लिया है। अभी इसको बॉयल करेंगे। इस तरीके से किसी बर्तन में डाल के इसको बॉयल कर लेंगे। आप चाहें तो पालक को कच्चा भी यूज़ कर सकते हैं, बट मैं यहाँ पर इसको बॉयल करके यूज़ कर रही हूँ। इस तरीके से ढक के इसको 5 से 6 मिनट के लिए बॉयल करेंगे। 6 मिनट के बाद में देखिए जो पालक है वो बॉयल हो चुकी है। चेक कर लेंगे इस तरीके से। गैस के फ्लेम को बंद कर देंगे और इसको ठंडा हो जाने देंगे। इसके बाद में इसको किसी बर्तन में निकाल लेंगे और बॉयल पालक का जो पानी है उसको वेस्ट नहीं करेंगे, इसको सब्ज़ी में यूज़ कर लेंगे। क्योंकि हम सभी जानते हैं पालक आयरन में बहुत रिच होती है। इसको ठंडा करके इसका पेस्ट बना लेंगे। तब तक देखते हैं नेक्स्ट प्रोसेस। कढ़ाई में थोड़ा सा तेल डालेंगे, जीरा, ये कटी हुई हरी मिर्च, कटी हुई अदरक, लहसुन इसको छील लिया है, थोड़ा सा रोस्ट करेंगे इनको। कटी हुई प्याज, प्याज को रफली चॉप किया है, इसको भी थोड़ा सा भूनेंगे। बहुत ज़्यादा नहीं भूनना है, बस थोड़ा सा सॉफ्ट होना चाहिए प्याज। ये कटे हुए टमाटर डाल देंगे यहाँ पे, इनको भी भून लेंगे थोड़ा सा। थोड़ा सा नमक डालेंगे जिससे ये बहुत जल्दी कुक हो जाएंगे। सभी चीज़ों को अच्छे से मिक्स कर लेंगे। इसके बाद में इसको कवर करके 2 से 3 मिनट के लिए कुक कर लेंगे। 3 मिनट के बाद में चेक करेंगे। आप देख सकते हैं जो टमाटर हैं वो भी सॉफ्ट हो गए हैं और प्याज वो भी सॉफ्ट हो गया है। थोड़ा सा चलाएंगे इसको और गैस के फ्लेम को बंद कर देंगे। इसके बाद में इसका पेस्ट बना लेंगे। ये सब्जियां हैं जिनको मैंने कट कर लिया है। गोभी है, मटर, मटर को छील लिया है, थोड़े से ये आलू कट करके रखे हैं। उसके बाद में जो हमने पालक बॉयल की थी उसका ये पेस्ट है। अब चलते हैं सब्ज़ी को बनाने की प्रोसेस में। कढ़ाई में थोड़ा सा तेल डालेंगे, इस तरीके से फैला लेंगे। थोड़ा सा जीरा, जीरा जब चटक जाएगा उसके बाद में हरी मिर्च, तेज पत्ता, इसके बाद में हमने जो टमाटर लहसुन प्याज का पेस्ट बनाया था वो डाल देंगे। चला लेंगे इसको अच्छे से। गैस के फ्लेम को हाई रखेंगे और इसको अच्छे से भूनेंगे। इस तरीके से चलाते रहेंगे। यहाँ पर थोड़ी सी हींग डालेंगे, इससे सब्ज़ी में बहुत अच्छा फ्लेवर आएगा। अच्छे से मिक्स कर लेंगे इसको भी। सूखे मसालों में ये हल्दी पाउडर है, ये लाल मिर्च पाउडर, गरम मसाला है ये थोड़ा सा, धनिया पाउडर। मसालों को डाल के अच्छे से मिक्स करते हुए भूनेंगे। इसी तरीके से चलाते हुए मसालों को बहुत अच्छे तरीके से भूनना है। थोड़ा सा नमक डालेंगे, नमक आप अपने स्वाद के अनुसार डालिए। इसको भी अच्छे से मिक्स कर लेंगे ग्रेवी में। ये देखिए मसाला भुनने लगा है। मसाले को तब तक भूनना है जब तक ये साइड से तेल ना छोड़ने लगे। आप देख सकते हैं मसाला अच्छे से भुन गया है। यहाँ पर जो हमने पालक का पेस्ट बनाया था वो डाल देंगे। इसको भी ग्रेवी के साथ में अच्छे से मिक्स कर लेंगे। तरीके से चलाते रहेंगे। थोड़ा सा पानी डालेंगे, जैसी आप कंसिस्टेंसी रखना चाहते हैं उसी हिसाब से पानी डालिए। अच्छे से मिक्स करेंगे इसको भी। एक बार ज़रूर बना के देखिए, सब्ज़ी बहुत हेल्दी होती है और बहुत ज़्यादा डिलीशियस भी है। देखिए कंसिस्टेंसी मैंने इस तरीके की रखी है, क्योंकि अभी सब्ज़ी भी बनाएंगे इसी में तो इसकी कंसिस्टेंसी ठीक हो जाएगी। इसको कवर करके 2 से 3 मिनट के लिए पकाएंगे, जिससे कि जो ग्रेवी है बहुत अच्छे से पक जाएगी। 3 मिनट के बाद में देखिए ग्रेवी का कलर कितना अच्छा आया है। ग्रेवी अच्छे से पक चुकी है। इसको चलाएंगे थोड़ा सा और इसमें जो सब्ज़ियाँ रखी है हमने कट करके वो सब डाल देंगे। सब्जी को भून लेंगे थोड़ा सा इसमें ग्रेवी में, इस तरीके से। अभी जो हमने कट करके आलू रखे थे वो भी डाल देंगे और इनको भी ग्रेवी में अच्छे तरीके से मिक्स कर लेंगे। ये देखिए इसी तरीके से सब्जी को चलाएंगे थोड़ी देर तक। सब्जी को चलाने के बाद में इसको कवर करके 5 से 6 मिनट के लिए पकने देंगे। देखिए मैंने इसको ढक दिया है। 6 मिनट के बाद में इसको चेक करेंगे। आप देख सकते हैं सब्ज़ी का कलर कितना अच्छा आया है। इसको भी थोड़ा और चलाएंगे अभी। अभी ये पूरी नहीं पकी है, इसको अभी कवर करके 5 से 6 मिनट के लिए और कुक करेंगे। 6 मिनट के बाद में सब्ज़ी को फिर से चेक करेंगे। थोड़ी देर चलाएंगे सब्ज़ी को।
यहाँ पर कंसिस्टेंसी आप अपने हिसाब से सेट कर लीजिए। अगर ग्रेवी पतली है तो हाई फ्लेम पे थोड़ी देर तक इसको और पका लीजिए। यहाँ पर थोड़ी सी कटी हुई धनिया डालेंगे और इनको भी अच्छे से मिक्स कर लेंगे। सब्ज़ी की कंसिस्टेंसी भी एकदम ठीक है, मुझे ऐसे ही रखनी है। और लीजिए, आपकी गर्मा गर्म गोभी आलू मटर की सब्ज़ी बनके तैयार है। बहुत ही हेल्दी सब्ज़ी है और बहुत ही अच्छी बनती है। एक बार आप इसको ज़रूर बना के देखिए। इसमें थोड़ा सा घी या बटर डाल के रोटी या पराठा किसी के भी साथ सर्व कीजिए, बहुत ही अच्छी लगती है। आई होप आपको मेरी ये रेसिपी अच्छी लगी होगी। अगर अच्छी लगी हो तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। थैंक यू।